हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो कूलकॉम सीपीयू का जो है बैकअप फाइल रीड करना चाहते हैं अपने मिरेकल बॉक्स से। दोस्तों, सवाल उठता है कि बैकअप फाइल को रीड करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैकअप फाइल को रीड करना जरूरी होता है। मान के चलिए आप किसी मोबाइल को फ्लैशिंग कर रहे हैं या फॉर्मेट कर रहे हैं और उस दौरान उस मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसका IMEI नल हो जाता है, तो उस दौरान आप उस बैकअप फाइल को राइट करके उसका जो है उस मोबाइल को जो है रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको देखना है सीखना तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मनानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर ले। आप को सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो, यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कस्टम रूम का जो बैकअप फाइल हमें रीड करना है और उसका बैकअप फाइल रीड करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा और मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे मोर पर क्लिक करना होगा। अब मोर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ अबाउट फोन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें बिल्ड नंबर पर जो है 7 बार जो है क्लिक करना है और 7 बार क्लिक करने के बाद जो है बिल्ड नंबर में जो है डेवलपर का जो ऑप्शन है वो बाहर आ जाएगा और डेवलपर का ऑप्शन जो है बिल्ड नंबर के अंदर में छुपा हुआ होता है, उसे बाहर करने के लिए हमें 7 बार क्लिक करना होगा बिल्ड नंबर पर। उसके बाद हमारा जो डेवलपर का ऑप्शन है वो बाहर आ जाएगा, तो हमें डेवलपर को ओपन करना है। डेवलपर ऑप्शन को ओपन करने के बाद हमें यहाँ USB डिबगिंग जो है इसे इसका जो स्विच हमें इनेबल कर देना है, उसके बाद इसमें USB डाटा केबल लगाना है और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें अपना मिरेकल टूल जो है उसे ओपन कर लेना है। मिरेकल टूल जैसे हमारा ओपन हो जाएगा तो हमें जो आप कूलकॉम जो उसका जो टूल है उस कूलकॉम टूल को हमें सिलेक्ट करना होगा। कूलकॉम टूल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अनलॉक पे हमें क्लिक करना होगा, उसके बाद हमें जो है पोर्ट सेलेक्ट करना होगा। रीड की ऑप्शन पर जो है हमें चेक लगा देना है, टिक लगा देना है, उसके बाद हमें स्टार बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम स्टार बटन पर क्लिक करेंगे हमारा जो है बैकअप फाइल रीड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो फाइल जो रीड हो रही है बैकअप फाइल, तो ये फाइल जो रीड होकर के सेव होकर के हमारे किस ड्राइव में जो है ये सेव होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइल जो सेव हो रहा है ये सी प्रोग्राम फाइल में जो है सी ड्राइव में जो है मतलब ये सेव हो रहा है। तो लेकिन सी प्रोग्राम फाइल में कौन से फोल्डर में ये सेव हो रहा है तो इसे पता लगाना आपको मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो आप इसका पता लगाने के लिए आपको बता दूं मैं कि जब ये फाइल रीड हो जाएगा उसके बाद राइट की ओसीएन फाइल पर जब आप चेक लगाएंगे उसको स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपको वो फाइल दिखा देगा कि सी प्रोग्राम के कौन से फोल्डर में वो फाइल है। वहां से उस फाइल को आप कॉपी करके अपने किसी ड्राइव में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।